इन सारे कजन्स में से कुछ कजन्स हमने इकट्ठे किए और आप मोमल, शहरोज और शहजाद के अलावा जिन कजन से मिल सकेंगे वो है आतिफ शेख, शहरोज की खाला का बेटा, बिलाल शेख, मोमल के ताया का बेटा, सलीना शेख, सलीम शेख की बेटी, नशमिया शेख, सलीम शेख की बेटी, एंड किंजा जफर शेख, मोमल के चाचा की बेटी। सो आइए वेलकम करते हैं इस कजन्स की टोली को। वालेकुम अस्सलाम। यार बड़ा वेलकम, इतनी सारी खूबसूरती अंडर वन रूफ मेरे शो पे आज। कैसी हो? कैसी हो? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग किंजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बैठिए। शुक्र है हमारे पूरे सोफे निकल कर तो आए सामने, लोगों का नहीं पता था कि हमने सोफे ज्यादा बनवा के रखे हुए। अच्छा भाई, मोमल, शहजाद और शहरोज को तो सब जानते हैं, लेकिन मैं एक एक करके सुनो। मैं हमारे कैमरामैन क्लोज बना के इंट्रोडक्शन कराना जरूरी है। पहले मुझे बताएं, आपने मोमल को कैप्टन क्यों बनाया? मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर से वो इमरान खान के बाद जिसमें फील आती है ना लीडरशिप की, वो ये लड़की है। हमारी फैमिली की लीडर ये ही है ना। सही सही फील आई है। हाँ, मुझे लगता है इसके अंदर की बातें आपने ज्यादा नहीं डिस्क्लोज की। कैप्टन इतना नर्वस क्यों नजर आ रहे हैं? अच्छा, ये कैप्टन प्लेयर से ज्यादा नर्वस नजर आ रहा है। से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? और ये आतिफ जी है ना, आतिफ शहरोज की खाला के बेटे जी, जी। अब हम पहले मेरी खाला मोमल और मेरे और शहजाद की फुप्पो। हाँ, शहजाद और मोमल की फुप्पो के बेटे आतिफ और शहरोज की खाला जी। तो आतिफ आपसे शुरू कर रहे हैं। आतिफ, ये सब तो एक्टर हैं तीनों जी। आतिफ जो है उनका क्या प्रोफेशन है? मैं ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। और मेरा भी दिल था साथ साथ होने का, मगर इन्होंने आगे नहीं आने दिया। हमारी फैमिली का सबसे हार्ड वर्किंग लड़का भी ये, क्योंकि अच्छा कमाता खाते, क्या जरूरत है एक्टिंग करने की, हवाई रोज ये समझाए ना ऐसे। और जो आतिफ के बड़े भाई है आशिफ, एक्चुअली हम सब बच्चों में से ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड एक्टर जिन्होंने डेब्यू किया, जिन्होंने डेब्यू किया था बाबा की फिल्म मुश्किल में। अच्छा, आशिफ वाज, हमें तो लग रहा था कि वही जाएगा, वही बनेगा हमारे खानदान। उस वक्त हमें वही लगता था, हमें वही लगता था। अच्छा, और उसको भी उनके बिहाफ में कई ऑटोग्राफ दिए हैं। हम समझते थे कि वो आपकी शक्ल में कजन्स की होती है ना। बहुत तस्वीरें और बहुत एक्टिंग मैंने से पहले। अगर आप लोग एक गाना ढूंढते हैं लोगों को दिखाने के लिए, मुश्किल है बड़ा मुश्किल है, दूसरा वर्जन जिसमें काशिफ शेख छोटा है, वो आप दिखा सकते हैं। टीम मिल जाए तो दिखा है। अच्छा, पर शहजाद को तो सब जानते हैं। शहजाद, पहले हम आते हैं उस तरफ ना जरा। बिलाल शेख, जिनकी अभी रिसेंटली शादी वायरल हुई है, आपने इनकी शादी में डांस और इनकी एंट्री सब देखी होगी। और बिलाल बेसिकली मोमल के ताया हुए और तुम्हारे क्या हुए? मेरे मामू। मामू, अरे बड़ा मामू का बेटा। मोमल और शहजाद के ताया चाचा और पुप्पो का। मेरे मामू का बेटा है, मेरी अम्मी इसकी पुप्पो है। ये सबसे छोटा है फैमिली में लड़का, क्योंकि सबसे आखिर में बेचारे का नंबर क्या है? बहुत ऐसे हैं, अगर हम बुला लेते तो बहुत मसला हो जाता है यहाँ पे। बहुत ज्यादा बैठते थे हम, फिर बैठ जाते इधर ही, इनकी अब बिलाल की ढोलकी कर लेते ना शादी के बाद। की शादी पे भी हम इकट्ठे हुए थे, बहुत मजा आया। आप सब लोगों ने एक तरह के कपड़े पहने हुए, सलीम मामू ने डिजाइन किए थे, और खुद तो उन्होंने कोट पहना, तुम लोगों को वेस्ट कोट पहना, ये क्या बात है? नहीं नहीं, अच्छा आधे प्रिंस कोट थे आधे वेस्ट कोट थे। ओके, आती शहजाद और शेरी ने तीनों ने प्रिंस कोट पहना था। मैंने कहा है खुद वो प्रिंस कोट में, बाकी सब वेस्ट। वो भैरोज अंकल और बाबा ने वेस्ट कोट पहना बाय चॉइस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।